जय श्री राम। जैन दोस्तों, मैं ऑल इंडिया साइकिल राइडर नरेंद्र सिंह यादव निकला था राजस्थान टू लद्दाख ट्रिप पे। तो आज हमारा 26वां दिन स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल हम रुके हुए हैं कारगिल से 40 किलोमीटर पहले। तो अपनी साइकिल बिल्कुल रेडी तैयार है। और आपको हम बताते हैं, रात हमने ना यहाँ पे कैंपिंग करके निकाली इस पेड़ के नीचे। और देख रहे हो ना, यहाँ पे रात निकाली है यार। इधर भैया का कैंपिंग था, इधर मेरा था, दोनों की साइकिल हमारी यहाँ पे खड़ी है। तो हमने यहाँ पे है ना यार पूरी रात यहीं पे निकाली हमने। तो सर, आपको नींद कैसी आई यहाँ पे? हमें बहुत अच्छी नींद आई यार यहाँ पे, है ना। और ये चीजें है ना बहुत कुछ सिखा के जाती है। यहाँ पे देखो पेड़ था, यहाँ पे रुक गए, वो कैंपिंग की अच्छे से और आराम से सो गए। बहुत अच्छी पावर बैंक मिला, हाँ मिल गया पावर बैंक लेके आ गया मैं, है ना। तो अभी गाइज हम निकलते हैं कारगिल की तरफ। और हमारे साथ हमारे जोड़ीदार हैं जयंत भैया जी। गाइस, अगर हम नहीं रहते ना तो होटल लेता, रूम लेता मैं। तो भैया हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि दो घाटी, तो मैं एक बार रूम किया स्टे की सोच रहा था। फिर नो बोलो नहीं नहीं नहीं, हमने यहाँ पे आए, जगह देखी और यहाँ पे कैंपिंग किया यार। और कैंपिंग करके सोने में इतना मजा आया ना यार, क्या ही बताऊं। चले भैया अब लेट्स गो, अब चलते हैं आगे की तरफ कारगिल की तरफ। जय हिंद जय भारत। तो गाइज सुबह सुबह का ये मौसम है और कारगिल से है ना बस 40 किलोमीटर दूर है हम। और अब हम ना कारगिल फतेह करने वाले हैं यार। क्या हो गया? चॉकलेट मेरे लिए लाना एक। अभी हमें ना सर हमें चॉकलेट खिलाएंगे यार, बड़ी अच्छी लगती है इधर चॉकलेट ठंड में, क्योंकि है ना अच्छा वाला बूस्ट मिलता है चॉकलेट से। और अब हम निकल रहे हैं कारगिल की तरफ। और कारगिल देखते हैं, ये रास्ता बिल्कुल ऐसा ही होता है कारगिल के लिए। और ये भैया देखो स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग भैया, है ना। और यार आजकल है ना बहुत परेशान हो, क्योंकि दो तीन घाटियाँ थी। अब देखते हैं ये रास्ता कैसा होता है यार। यहाँ के पहाड़ भी ऐसे ही हैं, अभी हरियाली स्टार्ट होने वाली है। देखो थोड़े थोड़े पेड़ तो हैं बट हरियाली अभी स्टार्ट हुई नहीं है ना। तो अभी हम भैया जी का इंतज़ार करते हैं, आ जाते हैं फिर चलेंगे आगे की तरफ। और गाइस यार है ना ब्लॉग में प्यार सपोर्ट करो यार, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, फ्री टाइम में वॉच करके पटक दो वीडियो को, देख दो अच्छे अच्छे, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मेरे को समझ में नहीं आया कि तुम लोग इतना प्यार कहाँ से दे रहे हो, ऐसा कर दो भाई, है ना। तो जय हिंद जय भारत। तो यार फाइनली गाइज हमें ना कारगिल से बस 17 किलोमीटर दूर है। और यार हरियाली स्टार्ट हो गई, आप देख रहे हो सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। तो यार ये हरियाली देखी हुई ना बहुत टाइम हो गया था, हिमाचल के बाद सरचू के बाद है ना यहीं देखने को मिला है। तो यार हरियाली से ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है यार देख के, क्योंकि नेचर अच्छा होता है ना वहाँ का, तो कुछ अलग ही फीलिंग होती है। और अभी कारगिल देखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि कारगिल का नाम सुना था, कारगिल के युद्ध के बारे में सुना था, वो सब चीज़ें बस मैं एक या दो घंटों में है ना खुद की आँखों से देखने वाला हूँ यार। और आप सबको भी दिखाने वाला हूँ, है ना। तो अभी चलते हैं कारगिल की तरफ हो सके जितनी जल्दी से जल्दी। और अभी प्लेन रोड है तो साइकिलिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, ना ऊंचा है ना नीचा है, तो बहुत ही कंफर्टेबल साइकिलिंग हो रही है यार, है ना। तो चलते हैं कारगिल की तरफ। तो ब्लॉग में जुड़े रहें और वही का प्यार सपोर्ट करते रहें। जय हिंद जय भारत। तो फाइनली गाइस हमें ना कारगिल में एंट्री हमारी हो गई है यार। और बहुत ही सुंदर शहर है यार कारगिल, है ना। और जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वो दराज के पास आएगा, वो आपको है ना थोड़ा टाइम लगेगा दिखाने में, बट आज हम आपको कारगिल सिटी दिखाते हैं पूरी। और हम कारगिल की तरफ चल रहे हैं, नीचे की तरफ बाईपास होके नहीं गए हमको, हमारी ऑडियंस को हम है ना 2-4, 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेंगे पर कारगिल सिटी दिखा के, लेकिन क्योंकि कारगिल सिटी बहुत ही फेमस है यार, है ना। तो चलते हैं अभी कारगिल सिटी की तरफ, जुड़े रहे हमारे ब्लॉग्स में। और कारगिल सिटी ज़रूर देखें, बहुत ही बड़ा है ना आर्मी कैंप आने वाला है। और कारगिल सिटी बिल्कुल एकदम सुंदर सजावट में बसी हुई है, एकदम ऐसे देखने में इतना सुंदर लग रहा है यार। अभी आपको भी दिखाते हैं जैन सर ना। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ, ब्लॉग्स में जुड़े रहे गाइज। और यहाँ पे है ना यार मिलिट्री की बहुत ज़्यादा शहर भी है, आप देख रहे हो हर 100 मीटर पे है ना आपको एक ITBP या आर्मी का जो जवान ड्यूटी देता मिलेगा जैन सर, क्योंकि यहाँ पे धारा 370 हटने के बाद है ना थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट में रहती है। तो अच्छी बात यार हमारी सुरक्षा में है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, ब्लॉग्स में जुड़े रहे गाइज। तो फाइनली गाइज एंट्री हो चुकी है, ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है, क्राउड स्टार्ट हो चुका है कारगिल में। और एंड है ना अभी देखते हैं, बच्चों की छुट्टी हुई है स्कूल से, आ रहे हैं जा रहे हैं। तभी कारगिल में हमारी एंट्री हो जाती है, बट होएगी है
जैसे यू टर्न लेंगे सर, जैसे यू टर्न लेंगे ना हम एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल कारगिल है ना, और कारगिल में एंट्री जस्ट आप सामने देख पा रहे हो। थैंक्स विजिट अगेन यार, आज तक कारगिल का नाम सुना था, अब कारगिल देख रहे हैं, और यहाँ के लोग अनुभव में पता नहीं हमें कैसी नज़रों से देख रहे हैं, वो तो हमें नहीं पता। जैसे मार्केट स्टार्ट हो गया, और अब साइकिल की शॉप देखनी है हमें, साइकिल रिपेयरिंग करवानी है, तो साइकिल की शॉप का भी ध्यान रखना सर। तो भाई अभी तो कारगिल सिटी शुरू हुई है ना, आप ब्लॉग में जुड़े रहें, पूरी सिटी दिखाते हैं आपको कारगिल। सर फाइनली आ जाए ना श्रीनगर, 207 किलोमीटर है, सोनमार्ग 123, बालटाल 108 और दरास 64 किलोमीटर है। तो देखते हैं यार श्रीनगर, अभी शायद 3 दिन लग जाएंगे हमें पहुँचने में यार, और आज बस साइकिल की सर्विस हो जाए जयंत भैया की यहाँ पर, मेरी तो टकाटक भी साइकिल कि मेरे तो थोड़े ब्रेक टाइट करवाने हैं बस, और फिर हमें ना थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे। अभी यार इनकी साइकिल की है ना पिछला टायर की ताड़ियाँ टूट गई हैं चार, तो इस वजह से हम फास्ट नहीं चल रहे। तो गाइज अभी है ना साइकिल की शॉप ढूंढ रहे हैं यार, कारगिल में कोई मिल जाए यार बस। अभी ये यार ये पूरा कारगिल शहर देखो पहाड़ों पे बसा हुआ है, चलते हैं साइकिल की शॉप ढूंढते हैं कोई। तो गाइज फाइनली हमें ना कारगिल का जो बस स्टैंड है वो आपको दिखा रहे हैं, है ना, हम कारगिल के बस स्टैंड के पास है, जो है पीछे ये कारगिल का बस स्टैंड है, और अब हमें ना कारगिल के मेन जो मार्केट है उसमें घुस चुके हैं ना। और अभी यार साइकिल की शॉप में बार बार बोल रहा हूँ, हमें साइकिल की शॉप का बड़ा इंतज़ार है बेसब्री से कि रिपेयरिंग कहाँ पे होगी यार ना? और ये कारगिल का मेन मार्केट है यार, यहाँ पे अपने को ख़रीदना तो कुछ है नहीं, बट अपने को बस साइकिल की सर्विस करवानी है और कुछ नहीं है। टैक्सी स्टैंड कारगिल, चलते हैं यार एक कोई साइकिल शॉप मिल जाए, और तो अपने को क्या ही खरीदना है यार, यहाँ पे कुछ खरीदना तो है ही नहीं। यार काफी टाइम हो गया चलते चलते कारगिल में, है ना, हमें शॉप नहीं मिल रही है साइकिल की यार, पता नहीं कहाँ ही जाके मिलेगी, रास्ते भी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, हमें तो खुद भी नहीं पता। ये यहाँ पे लिखा भी नहीं है कुछ कि किधर से कहाँ जाना पड़ेगा, शायद सीधा ही जाएंगे। चलो सीधा ही चलते हैं। तो फाइनली गाइस है ना हमें साइकिल की शॉप मिल गई है, क्योंकि यार ये भैया की है ना साइकिल, देखो ये ताड़ियाँ नहीं टूट गई थी यार, शॉप तो मिल गई है कारगिल की मेन सिटी में ही, है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितना क्या खर्चा आता है यार, क्योंकि साइकिल करवाना बहुत जरूरी है, और मेरी साइकिल तो देखो उधर खड़ी है सामने, है ना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है यार, बहुत ज़्यादा, और ये साइकिल देखते हैं कितना क्या बताते हैं, फिर सामान वगैरह खोलते हैं यार, अपनी साइकिल तो उधर खड़ी है, खड़ी रहना तो कोई नहीं, कौन लेके जाएगा साइकिल को, है ना। तो अभी साइकिल रिपेयरिंग करवाते हैं, और यहाँ पे साइकिल किराए पे मिलती है, और अपने तो किराए पे लेके क्या ही करना है। चलो गाइस पहले साइकिल ठीक कराते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो फाइनली गाइज है ना हमें ऐसी सीरीज मिली है रिपेयरिंग पे, नीचे उसने बोला भाई मेरा मैकेनिक गया हुआ है, तो शायद यार तो बहुत महंगा है यार, यहाँ पे 550 का दिया है एक छोटा सा आइटम, चलो भाई मजबूरी में लेना था तो हमने ले लिया। अब हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट पे, अभी देखते हैं वहाँ पे जाते कि नहीं जाते हैं, अभी आपको बता नहीं सकते, वहाँ पे पहुँच के ही बताएंगे, अभी तो शायद 8 या 9 किलोमीटर साइड में पड़ेगा, बट पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ का व्यूज हम दिखाएं। फिलहाल तो आप है ना कारगिल की सिटी देखिए, यहाँ पे गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। क्राउड भी अच्छा है यार यहाँ पे कारगिल में, बहुत अच्छा है। देख रहे हो कैसा लग रहा है कारगिल सिटी, है ना, कमेंट में जरूर बताएं।
तो यार आप देख रहे हो छोटे छोटे गलियां हैं और पार्किंग इतनी सारी गाड़ी खड़ी है यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और इतने पैदल लोग चलते हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब हम इधर से निकले यार, अगर किसी के टच हो गया ना तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कतों का सामना कर सकते, इसलिए हम थोड़ा सेफली राइड करेंगे, आराम से करेंगे, प्यार से, क्योंकि इधर का थोड़ा माहौल कुछ अलग ही है। और सब गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरे रोडों पे। क्या अच्छा अच्छा ओ हाँ हाँ, साइड दो भैया, साइड दो, इतनी सड़क है यहाँ पे। एक ही सड़क चल लो इधर, बस उस पर ही जाना। गाड़ियाँ सबके पास मिलेंगी इधर यहाँ, और सबसे ज़्यादा गाड़ी मिलेगी एल्टो, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी है इधर पहाड़ी इलाकों में, पेट्रोल की गाड़ियाँ टीक अच्छा होते हैं। और यार मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, एक ऐसी व्यूज पॉइंट पे लेके चलने वाले हैं जिसकी बात ही कुछ अलग, आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं हमारा तो हो रहा ही है, आपका भी हो जाएगा है। तो गाइज है ना, बहुत ही बेसब्री से इंतजार था हमें भी, हम आपको बता देते हैं कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान व्यूज पॉइंट देखने, जहाँ से हमें पाकिस्तान दिखाई देगा और हम आपको भी दिखाएंगे। यार हम उसके लिए ना 10 किलोमीटर कारगिल से हमें साइड में जाना पड़ रहा है, नहीं जाना तो हमें द्रास की तरफ था, हम द्रास ना जाके हमें ना पाकिस्तान व्यूज पॉइंट पे जा रहे हैं, जहाँ पे अपना ना कारगिल 1999 का जो युद्ध हुआ था वहाँ पे, जहाँ से पूरा पाकिस्तान दिखेगा आपको, है ना। तो गाइज व्लॉग्स में जुड़े रहे, इस मौके को ना छोड़े, पाकिस्तान देखना ना भूले, हम आपके लिए पाकिस्तान की सीमा पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे पूरा पाकिस्तान। बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनें लगी हुई हैं, उन दूरबीनों से देखेंगे हम पाकिस्तान। तो चलते हैं अब पाकिस्तान की तरफ। जय हिंद, जय भारत। तो गाइज हमें मुंडेरमन LOC व्यू पॉइंट, जहाँ से पाकिस्तान दिखेगा, अभी आपको दिखाते हैं ना, और ऊपर हमारा देखो इंडियन फ्लैग है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हम चलेंगे और वहाँ से, और यहाँ से पाकिस्तान का व्यूज़ देखेंगे, और ये हमारी साइकिल खड़ी है, चल सर आइए। तो गाइज वो सामने ना वो पाकिस्तान है उधर, और वो कच्चा रास्ता जा रहा है, उधर मिलिट्री है, उसके बाद फिर पाकिस्तान है, जो पर अपने को पाकिस्तान व्यूज यहीं से देखने को मिलेगा, जो सामने आपको जो घर दिख रहे हैं नीचे की तरफ वो पाकिस्तान है, फिर LOC कारगिल, और यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे यार कुछ ऐसा है नहीं, किसी से पूरी डिटेल पूछे, कोई है ही नहीं यहाँ पे, बंदा ही नहीं है, एक ही नहीं है। इतना किलोमीटर चढ़ के आए, कोई बंदा होता तो पूछते, ट्राई करते कि भाई यहाँ की हिस्ट्री क्या है, कैसे क्या है, कुछ नहीं है, बस बताया। हम ऊपर आए और यहाँ से देखा कि ये नीचे सिर्फ पाकिस्तान व्यूज पॉइंट है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो गाइज है ना यार, पूरा पोपट हो गया, कुछ समझ में नहीं आया यार है ना। और ये बस यहाँ पे सिर्फ एक इंडियन फ्लैग देखने को मिला, अपना इंडियन फ्लैग है जो कि LOC कारगिल पे। और यार उधर अपने को जाने की अनुमति नहीं था, उधर वो दिखा पा रहा हूँ ना, आपको दिख नहीं पाएगा, मेरे को कम थोड़ा कम दिख रहा है, उधर वो है ना पाकिस्तान की वो है चेक पोस्ट, इधर इस वाले पार्ट पे इंडिया के बीच में जो ये नदी है ना, ये रिवर है बस बीच में, और इस साइड में जम्मू एंड कश्मीर में वो मिले। तो फाइनली गाइज यार शाम हो गई है ना, अभी आज हमने जल्दी स्टे की, बारिश आ गई थी यहाँ पे कारगिल से निकलती, और जयंत भैया ने अपना सामान देखो खोल दिया है यहाँ पे, और मेरा साइकिल पर, क्योंकि वो सामान लाने गए हैं खाने पीने का, क्योंकि थोड़ा ख़त्म हो रहा था राशन, तो खाने पीने का सामान ले गए हैं। और इधर ये आर्मी कैंप है, और इधर ये कैफ़े है आर्मी का, और ये पता नहीं यार कौन सी रिवर है, क्योंकि बहुत तेज़ आ रही है यहाँ पे देखो। और यहाँ पे सामने बना हुआ है सूबेदार हरका बहादुर मेमोरियल कारगिल, और वहाँ पे है ना हमारा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है बहुत बड़ा। तो आज का हमारा नेक्स्ट स्टे है ना यार इसी बस स्टॉप में होने वाला है, जो कि आर्मी का बस स्टॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना कैंपिंग टेंट लगाएंगे और यहीं पे आज अपना नेक्स्ट स्टे करेंगे, क्योंकि और तो जगह पे कुछ मिलेगा नहीं, और ये इलाका थोड़ा यार अलग लग रहा है, इस वजह से हम सोचे यहाँ पे दोनों का कैंपिंग टेंट लग जाएगा, साइकिल ऊपर खड़ी जाएंगी, ऊपर टिन सेट है, बारिश नहीं आएगी, क्योंकि आज बारिश का मौसम हुआ इधर, आप देख रहे हो सामने काले बादल हो रखे हैं। तो यार और मैं आपको दिखाता हूँ सूबेदार हरका बहादुर मेमोरियल कारगिल, ये जो कारगिल है पूरा जो आप यहाँ आप देख रहे हो है ना, और LOC वो है LOC सामने उधर, जो पे पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, तो आपको मैं भी दिखाता हूँ
यहाँ यार बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये मेमोरियल। ऊपर देखो कितना बड़ा इंडियन फ्लैग है और नीचे ये। एक बार तो हम इसमें सोने की सोच रहे थे मेमोरियल में, फिर हमने यहाँ पे नहीं सोया। मैं यार पता नहीं गवर्नमेंट की चीज़ है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, देख रहे हो ये मेमोरियल बना हुआ है भैया 15 अगस्त 2009 को बनाया हुआ है, मतलब कि इसका उद्घाटन हुआ था बट ये बना हुआ है ना। और 23 नवंबर 1948 में ये कुछ युद्ध हुआ था, इस वजह से मेमोरियल यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे आर्मी गुडविल स्कूल हरका बहादुर, ये ऊपर स्कूल भी आर्मी की। तो यार अभी देखते हैं सर आ जाते हैं, यार जयंत भैया आ जाता है कितनी देर में आता है, क्या क्या लेके आता है खाने का, फिर खाना बनाएंगे और खाएंगे है ना। तो फिर कैंपिंग टेंट तो मैं अभी लगाऊंगा जाके, बस अब आपको दिखाते हैं खाने में क्या मिलता है, या फिर लाइट नहीं है तो लेट हो जाते हैं खाने में, तो बता नहीं सकते क्या खाया क्या पिया। पर हम बता रहे हैं कि आज हमारा नाश्ता आज का यहीं रहेगा, आपको दिखा रहे बार बार। और बहुत ही अच्छा व्यूज है यार यहाँ पर, देख रहे हो। और कल शायद हम कल शायद कहाँ पहुँच जाएंगे यार, आज ही पूछना था हमें दरास, पर दरास हम आज पहुँच नहीं पाए। अभी कैंपिंग टेंट अपनी साइकिल के ऊपर खड़ी करेंगे और कैंपिंग टेंट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो यार ब्लॉग्स में आज के लिए इतना ही होगा, क्योंकि वहाँ ऊपर घाटी पे गए थे व्यूज पॉइंट देखने पाकिस्तान का, तो वहाँ पे आना हमें समझ में तो आया, बट कोई होता तो वहाँ पे और कुछ भी समझने को आता। तो देखते हैं आप भी समझने की कोशिश करना हमने समझा जैसे। तो यार आज के लिए हमारे ब्लॉग्स में इतना ही है ना, भाई को प्यार करें, सपोर्ट करें यार, बहुत मेहनत के साथ है ना यहाँ तक पहुँचा हूँ है ना। तो यार मेहनत में कमी मैं नहीं छोड़ रहा, सपोर्ट में कमी आप मत छोड़िए है ना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।